श्री कृष्ण के निर्वाण के पश्चात पांडवों को भी आभास हो गया था कि अब उनके भी दायित्व पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें भी निर्वाण कर लेना चाहिए। अतः उन्होंने शीघ्र ही गुरुदेव कृपाचार्य की अध्यक्षता में कुमार परीक्षित के राज्याभिषेक की व्यवस्था कर ली। हनुमान भी श्री कृष्ण को दिए हुए वचन को निभाने के लिए सभा में उपस्थित हुए। श्री राम भक्त, प्रभु हनुमान जी, राज्य अभिषेक के शुभ बेला पर आपने मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया हूँ प्रभु। और अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम पांडवों पर आपका आशीर्वाद बना हुआ है, और इसी विश्वास से मुझे मेरे दायित्वों को निभाने में संबल प्रदान होगा। महाराज परीक्षित, आप स्वयं सक्षम हैं, विष्णु रथ हैं आप, अर्थात स्वयं श्री विष्णु देव से रक्षित हैं, जिनके बल पर आपको धर्म राज्य की स्थापना करनी है। मेरा आशीर्वाद है आपको। जब तक आप पूर्ण धर्म निष्ठा के साथ राज नहीं करेंगे, तब तक कलयुग अपना प्रभाव पूर्णतया नहीं फैला सकेगा। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। हनुमान के आशीर्वाद से राजा परीक्षित को अपनी शक्तियों एवं ज्ञान विज्ञान का बोध हुआ और उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ राजपाट संभाल लिया। तब निश्चिंत होकर पांचों पांडव बंधुओं ने द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। द्रौपदी पांडव श्वान व भाई ऊंचे पर्वत चढ़ते जाए, किंतु छोड़ के श्वान युधिष्ठिर सब मूर्छा पाए गए गिर। धर्मराज युधिष्ठिर, आपका स्वागत है। आप स्वर्ग गमन के अधिकारी हो गए हैं, किंतु आपको अपने साथ आए हुए इस स्वान को यहीं छोड़ना होगा, तभी आप हमारे रथ पर आरूढ़ हो सकेंगे। ये श्वान भी मेरे साथ यहाँ तक आया है, इसने भी मार्ग की सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की, अतः ये भी स्वर्ग गमन का अधिकारी हो गया है। नहीं धर्मराज, इसे हम स्वर्ग नहीं ले जा सकते। मुझे भी क्षमा कीजिए, मैं स्वर्ग नहीं जाऊँ। पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर, स्वान जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आप स्वर्ग का त्याग करने के लिए भी तत्पर हो गए। आप इस परीक्षा में भी सफल, अतः आप निसंदेह स्वर्ग गमन के अधिकारी हो गए। जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने न्याय के लिए सर्वोत्तम त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया, वहीं भूलोक में महाराज परीक्षित भी राज धर्म का पालन करते हुए भली भांति राजपाट संभाल रहे थे। कलयुग का आरंभ हो चुका था, किंतु महाराज परीक्षित की धर्म निष्ठा के कारण कलिपुरुष को अपना साम्राज्य फैलाने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। मैं कलयुग का सम्राट कलिपुरुष हूँ, मेरा समय आरंभ हो चुका है महाराज परीक्षित, किंतु तुम्हारे कारण मुझे धरती पर अधिकार करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इतनी धर्म निष्ठा उचित नहीं है, कोई तो अधर्म करो महाराज परीक्षित। कलिपुरुष धरती पर छा जाने का पूर्ण प्रयास कर रहा था, किंतु हनुमान की भक्ति की शक्ति एवं महाराज परीक्षित की धर्म निष्ठा उसका मार्ग रोक रही थी। तब कलिपुरुष ने महाराज परीक्षित को लालच देकर छलने का निश्चय किया। एक दिन जब महाराज परीक्षित आखेट के लिए वन में गए थे, तब उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। यह मृग कहां लुप्त हो गया, यह वृषभ कहां से आ गया है? यह विलाप क्यों कर रही है गाय? ये एक पांव के वृक्ष को ये दुष्ट इतने क्रूरता के साथ क्यों सता रहा है? ये कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है मुझे? ए, बंद करो इसे सताना, अधर्म कर रहे हो तुम मेरे राज्य में। कितनी दुर्बल गाय है ये, वृक्ष भी एक पैर का है, क्यों सता रहे हो इन निरीह प्राणी को?
कौन हो तुम इन्हें दुख देने वाले? राजन, शास्त्रों में निहित वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जान पाते जो समस्त क्लेश का मूल है। सभी दुख जिसके कारण उत्पन्न होते हैं। कोई दुख का कारण प्रारब्ध को मानता है तो कोई कर को, कोई स्वयं को तो कोई ईश्वर को। जबकि दुख के कारण को ना तो तर्क वितर्क से जाना जा सकता है, ना ही वाणी से व्यक्त किया जा सकता है। मैं पहचान गया हूँ आपको, आप धर्म पुरुष हैं। आप स्वयं को दुख देने वाले के बारे में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ऐसा करना भी चुगली है, अधर्म है। चुगली करने वाला भी नरक को भोगता है। यही नहीं, आपके इन वचनों का गुड़ अर्थ ये है कि सुख हो या दुख, सबका कर्ता ईश्वर है। आप तो वेदज्ञ हैं राजन, इसलिए आप ये भी जानते हैं कि ईश्वर को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्रद्धा एवं भक्ति से ही ईश्वर का आभास किया जा सकता है। आपके इस एक पांव का संकेत ये है धर्म पुरुष कि सतयुग में धर्म के चारों चरण थे, तप, पवित्रता, सत्य एवं दया। तत्पश्चात त्रेता एवं द्वापर के समाप्त होते होते अधर्म के अंश अहंकार, अशक्ति एवं मद के कारण धर्म के तीन चरण नष्ट हो गए। अब मात्र सत्य रूपी एक ही पाव बचा है जिसके बल पर आज धर्म टिका हुआ है, जिसे कलयुग अपने क्रूर प्रहारों से गिराने का प्रयास कर रहा है। धर्म के मात्र एक पाव सत्य को भी नष्ट कर देना चाहता है कलयुग, और कलयुग के अत्याचारों से पीड़ित यह गाय के रूप में दुख में विलाप करती हुई माता पृथ्वी है। आप दोनों को इस प्रकार प्रताड़ित होते हुए और नहीं देख सकता मैं। कली पुरुष, रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। मैं आपकी शरण में हूँ, और शरण गहे को हानि पहुंचाना अधर्म है। आपने सत्य पहचाना, मैं एक काल पुरुष हूँ। ये मेरा युग है, मैं मात्र अपना धर्म निभा रहा हूँ, और आप भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। नहीं कली पुरुष, मेरे राज्य में धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं चेतावनी देता हूं तुम्हें, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरा राज्य त्याग करके चले जाओ यहां से। आप धर्म पथ के अनुयायी होकर भी काल धर्म का विरोध कर रहे हैं। महान पांडवों के वंशज हैं आप। काल चक्र के अनुसार मेरे काल अर्थात कलयुग का आरंभ हो चुका है, और यदि आप मुझे अपने राज्य में प्रवेश करने से रोकेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? संपूर्ण पृथ्वी पर तो आपका ही राज है। तीन अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात आपने संपूर्ण पृथ्वी को विजित कर लिया है, किंतु तुम अन्याय और अत्याचार का विस्तार करते हो, पाप कर्म के लिए मनुष्य को उकसाते हो, और ये हम अपने राज्य में होने नहीं देंगे। किंतु ईश्वर के बनाए हुए विधान के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं आप? भले ही आप मुझे कोई सीमित स्थान प्रदान करें, किंतु आप मुझे अपने राज्य में रहने से वंचित नहीं कर सकते, अन्यथा आप काल धर्म का पालन ना करने के दोषी होंगे। उचित है, तो मैं तुम्हें चार ऐसे स्थान प्रदान करता हूँ जहाँ तुम अपना प्रभाव फैला सकते हो, जहाँ द्युत क्रीड़ा होती हो, जहाँ मद्यपान किया जाता हो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो एवं जहाँ हिंसा की जाती हो। इन चार कारणों से चार पाप, असत्य, मद, आसक्ति एवं निर्दयता जुड़े हुए हैं। जो भी मनुष्य ये चार प्रकार के पाप करेगा, तुम उसे अपने प्रभाव में ले सकते हो। विडंबना तो यह है कि आपके राज्य में सभी धर्मात्मा हैं। चार पाप कर्म कोई भी मनुष्य नहीं करता, फिर कैसे और कहां वास करूंगा मैं? मुझे कोई अन्य स्थान दीजिए, जैसे स्वर्ण, जिसके साथ लालच का पाप जुड़ा है। स्वर्ण का लालच कभी भी समाप्त नहीं होता। दुहाई है आपको काल धर्म की, मुझे स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दीजिए। उचित है, मैं तुम्हें स्वर्ण का स्थान भी देता हूँ। जहाँ स्वर्ण होगा वहां तुम वास कर सकते हो, किंतु मेरे जीवित रहते तुम अपने अत्याचार के साम्राज्य का विस्तार नहीं करो। मुझे स्वीकार है धर्मात्मा, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। स्वर्ण राजन, स्वर्ण, स्वर्ण तो आपके शीश पर भी है। सर्वप्रथम तो आपके शीश पर स्वर्ण मुकुट पर वास करूंगा मैं, और आपके ही मस्तिष्क को अपने वश में करूंगा मैं।
आओ राजन आओ। स्वर्ण में मुझे स्थान देकर बड़ी भूल कर दी तुमने। अब केवल तुम ही नहीं, ये समस्त संसार मुझ कली के वश में होगा, क्योंकि स्वर्ण सबको प्यारा है, तुम्हें भी। आओ अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठो। धर्म मूर्ति राजा परीक्षित काल धर्म के वश में आकर ये भूल गए कि स्वर्ण तो उनके शीश पर भी है। देह के आभूषण स्वर्ण के हैं। उनकी इसी भूल ने कली पुरुष को उन्हें सर्वत्र घेरने एवं उनके भीतर प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर दिया। बस कली को प्रतीक्षा थी कि कोई छोटा सा भी अधर्म हो जाए राजा से। एक दिन आखेट के लिए निकले तीव्र प्यास एवं श्रम से क्लांत हुए महाराज परीक्षित महान ऋषि शमीक के आश्रम जा पहुंचे। उस समय ऋषि शमीक गहन ध्यान में लीन थे। समस्त कर्मेंद्रियों से उनका संपर्क टूट चुका था, अतः उन्हें राजा परीक्षित के आगमन के बारे में बोध नहीं हो सका। कली पुरुष ऐसे ही किसी अवसर से लाभ उठाने के लिए तत्पर था। प्रणाम ऋषिवर शमीक। राजन, तुम इस संपूर्ण क्षेत्र के राजा हो, प्रणाम तो इस ऋषि को करना चाहिए, किंतु प्रणाम तो दूर, इसने उत्तर तक नहीं दिया तुम्हारे प्रणाम का। क्या मुझे तनिक जल मिलेगा आपके आश्रम में? ये ऋषि अपमान कर रहा है तुम्हारा। शास्त्रों में राजा को भगवान के समकक्ष माना गया है, और ये तुच्छ ऋषि उपेक्षा कर रहा है अपने राजा की। ऋषिवर, मैं राजा परीक्षित हूँ। मैं वन से भटकता हुआ क्लांत और क्षुधित आपके आश्रम में आया हूँ। क्या मुझे तनिक जल और विश्राम मिलेगा? दृष्टता कर रहा है ये ऋषि, दंड मिलना चाहिए ऐसे ऋषि को तो। अपने ध्यान में इतना लीन है ये ऋषि कि अतिथि धर्म को भुला बैठा है। हाँ, ये अपने राजा अपने भगवान का अपमान कर रहा है, दंड का अधिकारी है ये। हाँ, मैं दंड दूंगा इस ऋषिवर को, अपमान किया है इसने अपने राजा का। अतिथि धर्म भुलाने वाले ये ऋषि शमीक पुष्प माला नहीं मृत सर्प माला पहनने योग्य है। मृत सर्प माला। कलयुग ने अपनी प्रथम चाल चल दी, जिसके वश में आकर राजा परीक्षित अपने जीवन की प्रथम एवं अंतिम भूल कर बैठे। और भूल भले ही किसी के प्रभाव में की गई हो, भूल को दंडित किया ही जाता है। जैसे ही ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी वहां पहुंचा, ऋषिवर की ग्रीवा में मृत सर्प देखकर वो कुपित हो उठा। किसने पिताश्री के साथ ऐसी अभद्रता की है? मैं महर्षि शमीक का पुत्र श्रृंगी अपने तपोबल से श्राप देता हूँ, जिसने भी पिताश्री के साथ ऐसी अभद्रता की है, आज से 7 दिवस के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिताश्री के ग्रीवा में सर्प डालने वाले दुष्ट नागों का राजा तक्षक स्वयं तुझे डसेगा। सफल रही मेरी चाल। 7 दिवस, अभी से केवल 7 दिवस, फिर कली दिखाएगा अपना वास्तविक प्रभाव। क्या हुआ पुत्र श्रृंगी, बहुत कुपित दिखाई दे रहे हो। यह तुमने उचित नहीं किया पुत्र, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। पापी को उसके पाप का दंड दिया है मैंने पिताश्री। नहीं पुत्र, बिना सत्य को जाने किसी को श्राप देना कभी कभी बहुत बड़े अनर्थ को जन्म दे देता है। तुमने इस श्राप से कलयुग को उसके पाप के साम्राज्य के विस्तार के लिए संबल प्रदान कर दिया। बिना सत्य को जाने तुमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया कली के प्रभाव के वशीभूत होकर किया। राजा परीक्षित इतने धर्मात्मा हैं कि उन्होंने अपने तपोबल से ही अब तक कलयुग को रोक कर रखा हुआ था। सत्य कह रहे हैं पिताश्री, क्रोध विवेक को हर लेता है, हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। पुत्र,
राजा परीक्षित को तो अभी तक ये ज्ञात भी नहीं कि तुमने उन्हें श्राप दे दिया है और श्राप को वापिस भी नहीं लिया जा सकता। किंतु तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम स्वयं जाकर उन्हें इन सब से अवगत कराओ। ऋषि कुमार श्रृंगी ने अपने पिता के निर्देशानुसार सब कुछ महाराज परीक्षित को बता दिया। सत्य को जानकर महाराज परीक्षित गहन पश्चाताप के सागर में डूब गए। इतना बड़ा पाप कार्य कैसे हो गया मुझसे? ऋषि तो सदैव सम्मान के अधिकारी होते हैं और मैंने अपमान कर दिया ऋषिवर का। कर्म फल तो भोगना ही होता है। पाप हुआ है मुझसे, अब दंड भी मुझे ही भोगना होगा। मुझे घृणा हो रही है अपने आप पर, घृणा हो रही है मुझे अपने आप पर। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, देखे ना कैसा पाप कर्म हो गया है मुझसे। अब इसका प्रायश्चित करूं तो कैसे करूं? अब आप ही बताइए देवर्षि नारद। हर पाप कर्म का कोई ना कोई प्रायश्चित तो होता है महाराज परीक्षित। आप ऋषिवर शुकदेव की शरण में जाइए। शुकदेव ऋषि, महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र? हाँ महाराज, उनकी सहायता से आपके पाप का प्रायश्चित हो सकता है। वो किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकते। वो इन दिनों आपके नगर की सीमा के निकट से ही निकल रहे हैं। अतः आप उनके पास जाकर उन्हें श्रीमद् भगवत कथा सुनाने का आग्रह कीजिए। उसी से आप कली के प्रभाव से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। आपका कल्याण हो। वत् महाराज परीक्षित नग्न पांव ही महर्षि शुकदेव को ढूंढने निकल पड़े। अंततः वे महर्षि शुकदेव तक पहुंच गए। उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का आग्रह किया। ब्राह्मण भेष महाराजा परीक्षित ऋषि सुखदेव के सम्मुख उपस्थित। भागवत दीर्घ काल श्रवण की, पा गए कलयुग से तब मुक्ति। अच्छा है, बड़े ही धार्मिक पुत्र एवं पुत्र वधु हैं। मां का सम्मान करते हुए स्वयं धरा पर चल रहे हैं और मां को अश्व पर आरूढ़ किया हुआ है। महाराज परीक्षित, तुम्हारा अंत और कलयुग का प्रारंभ। बस बहुत हो गया मां, अब तुम नीचे उतरो। इस पर मेरी प्रिय पत्नी बैठेगी। तुम ये सामान की पोटली संभालो मां। ये तो अधर्म है, अर्थात कलयुग का प्रभाव आरंभ हो ही गया है। मैं कलयुग को प्रवेश नहीं करने दूंगा। शंखनाथ कहां से बज रहा है? कौन बज रहा है इसे? इसकी ध्वनि विचलित कर रही है मुझे। मुझे क्षमा कर दो मां, ना जाने कैसे मैं कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया था। काल का चक्र निरंतर चलायमान रहता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। अतः
कलयुग का भी आरंभ हो गया। किंतु कलयुग में भी जब जब पापाचार की अति होगी, भक्तों पर अत्याचार होगा, संकट मोचन महाबली हनुमान की भक्त की शक्ति से तब तब कलि का पराभव होगा। अधर्म और अत्याचार से सदैव भक्तों की रक्षा करेंगे संकट मोचन महाबली हनुमान। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। संकट मोचन महाबली हनुमान शीघ्र ही पुनः आएंगे कलयुग में होने वाली अपनी अद्भुत लीलाओं के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।